रुकर दे अगली अहम खबरदार दिल्ली दे कथित शराब घोटाले मामले की गल करते हैं। दस दी कि आज मनीष सिसोदिया तो सीबीआई पूछगिछ करेगी। सवेरे 11 बजे सीबीआई दे हेडक्वार्टर दे विच मनीष सिसोदिया पेश होंगे। हालांकि मनीष सिसोदिया का साफ तौर पर कहना है कि मेरे खिलाफ हाले तक कोई भी सबूत नहीं मिलिया, लेकिन दिल्ली का एक कथित शराब घोटाला मामला जिसनों लेके सियासत भी बेहद गर्माई है। कथित शराब घोटाले में हुण तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दस दिए जदों पिछली बारी छापेमारी हुई सी मनीष सिसोदिया के घर तां करीबन 14 घंटे तक रेड चली सी। बीते दिन ही आप जानकारी देंदे हुए मनीष सिसोदिया नजर आए सी कि मेरे तो भलके पुछगिछ होगी, यानी कि अज पुछगिछ होगी। कथित शराब घोटाले में हुण तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अज 11 बजे सीबीआई वालों मनीष सिसोदिया तो पुछगिछ की जाएगी। यह कथित दिल्ली का जोड़ा शराब घोटाला मामला उसका सेक होरना सूबों में भी नजर आया है, जिसे वक् थावान से रेड हुई थी। लेकिन मनीष सिसोदिया तो आज सीबीआई जोड़ी है वो पूछगिछ करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी वालों लगातार इस लैके पोलीटल मैंडेटा होने की गल जोड़ी है वो कही जा रही है। साढ़े सहयोगी हरप्रीत बंदेशा इस वे जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, जिस तरह के नाल एक कथित शराब घोटाला दिल्ली का यह गरमाया रहा है, हालांकि इसको लेकर सियासत बेहद हुई है, एक दूजे के वार पलटवार का जरा सिलसिला इल्जाम का सिलसिला अभी देखा, लेकिन आज सीबीआई ने पूछगिछ करनी है मनीष सिसोदिया तो। तो इससे कोशिश करते हैं द्वारा असी हरप्रीत के संपर्क करिए, लेकिन दस दी कि सवेरे 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर से पूछगिछ होनी है। हालांकि मनीष सिसोदिया का इस बाबत भी बयान आया कि मेरे खिलाफ हाले तक कोई सबूत नहीं मिले, और आम आदमी पार्टी लगातार इस लैके केंद्र से निशाना साधती आई है कि एजेंसियों का दुरवरतों की जा रही है, उन्होंने खिलाफ जोड़ा है कोई भी सबूत नहीं मिले, किसी तरह की कोई अजिही चीज़ नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद जोड़ा है सिर्फ सियासी किड़ के चलद परेशान करने के लिए अजिहिया कार्रवाइया हो रही ने, जिसके लिए वो हर तरह की जांच लिए तैयार ने। लेकिन इस सब मामले को लेके सियासत बेहद गरमांदी हुई नजर आई है। हरप्रीत के नाल एक बार फिर कोशिश करते हैं। हरप्रीत, जिस तरह के नाल दिल्ली का कथित शराब घोटाला मामला सियासत इस पूरे मसले को लेके बेहद हुई है, एक दूजे से इल्जाम भी असी देखे, और अज सीबीआई तो पूछगिछ करनी है मनीष सिसोदिया तो। जी बिल्कुल, देखो जिस तरीके ना इस मामले में लगातार सियासत भागती हुई नजर आ रही है, लगातार आम आदमी पार्टी जी है वो ये कह रही है कि साडे चंगे कामों तो डर के काम किया जा रहा, सानू तंग किया जा रहा, असं गुजरात चंगा कर रहे हैं, इस करके सारे काम किए जा रहे हैं। आज दोपहर 11 बजे के करीब जोड़ा वो बुलाया गया मनीष सिसोदिया सीबीआई के ऑफिस, कल उन्होंने वालों ट्वीट किया गया मनीष सिसोदिया वालों, जिस उन्होंने कहा कि मेरे घर 14 घंटे सीबीआई तो रेड कर कुछ नहीं मिले, मेरे बैंक तलाशे उस कुछ नहीं मिले, पिंड उत्थे कुछ नहीं मिले, हम 11 बजे मैं सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया, मैं जावगा पूरा सहयोग करागा सत्यमेव जयते। गौरतलब है कि इस तो पहला शराब घोटाले के जांच एजेंसियों वालों हुण तक 3 गिरफ्तारियां जिहड़ियां ने वो कीतियां गईयां ने, जिहड़े 3 आरोपी दसे गए ने कहे गए ने विजय नायर, समीर महेंद्रू, अभिषेक बोइनपल्ली, इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। इस मामले में मनीष सिसोदिया भी आरोपी ने, मन्या जा रहा है कि जिथे जांच एजेंसियां इस मामले फूक फूक के कदम धर रही उसे आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को इस मामले से घेरन की कोशिश कर रही है। ईडी ने इस तो पहला 25 जगह से छापेमारी की थी, देश की राजधानी तो लैके देश के वक्-वक् हिस्सों जी छापेमारी की गई। उस तो अलावा ईडी सीबीआई की कुल जी छापेमारी सन वो 100 तो वध सन। 19 अगस्त को शराब घोटाले के मामले सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सने वक्-वक् जगह से छापे मारे, जिन्हां की 3 धारावां दर्ज की गई ने, 2 धारावां जिहड़ियां ने पीएमएलए जिन्हों कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वो तहत आने, सीबीआई की धारा के मुताबिक जो जानकारी मिली है मनीष सिसोदिया के खिलाफ आईपीसी धारा 120B 470A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। हम देखना होगा कि आज जेकर मनीष सिसोदिया पेश होंगे उससे की निकल के आता है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि गुजरात चुनाव तो पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे बीजेपी लगातार एक ही गल कहती नजर आ रही है कि जे किसी गलत किया तो छड़िया नहीं जाएगा, जेकर कोई ठीक है तो फिर जांच एजेंसियों के सहयोग कर समस्या की है, जांच सहयोग करो, सच सब के सामने आएगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह के नाल हरप्रीत हालात बने ने, हालांकि एजेंसियों की दुरवरतों के इल्जाम जड़े ने कोई भी पार्टी जी होंगी है सत्ता दे विच उसदे जी ओपोजिशन पार्टी होंगी है लगाती आई है, इतने पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी के इल्जाम लगते हैं, आम आदमी पार्टी केंद्र से निशाना साधती है। देखो सियासत हमेशा तो इन्हों मामलों से भगती रही, चाहे वह पंजाब होवे दिल्ली होवे, हमेशा तो यह कहता किया जाता रहा है कि साडे उत्ते निशाना साधा जा रहा है, सानू टारगेट किया जा रहा है। उत्थे यही गल पंजाब च जिहड़े विरोधी धिर ने कहिंदे ने कि जेकर कोई आवाज चुकता है तो उहदे पिछे विजिलेंस ला दित्ती जांदी है, यही गल इत्थे
सेंटर दे विच आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आती है कि जेकर असी चंगा काम कर रहे हैं इस करके सानू टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जिथे एजेंसियां की गल आती है जिथे सरकार की गल आती है सरकार सीधे तौर पर एक ही गल कह रही है या यह कहा जाए कि बीजेपी भी इससे साफ तौर पर एक ही गल कहती है कि जे किसी ने कोई गलत नहीं किया तो उन्हें डरन की लड़ नहीं, सच सब दे सामने आएगा। तो इस करके अब मनीष सिसोदिया 11 बजे CBI के सामने पेश होंगे, उस तो बाद देखना होगा कि CBI इस मामले से की रुख अख्तियार करती है, क्योंकि जोड़ा खदशा लगातार आदमी जता रही है कि मनीष को अरेस्ट किया जा सकता, उन्होंने गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन जिन्ना चिर तक देखो एजेंसिया को बिल्कुल पुख्ता सबूत नहीं होंगे, एजेंसिया के बिल्कुल पैर जो पक्के कहा जाता है वो नहीं होंगे, उन्ना चिर तक एजेंसिया भी यहोजा काम नहीं करनगिया। हम देखना होगा कि अज इस पूछगिछ चो की निकल के सामने आता है। जी जी हरप्रीत शुक्रिया फिलहाल दी सारी जानकारी। सो की कुछ अगे इस मामले के होंगे, इस 11 बजे जोड़ा है सद्या गया CBI हेडक्वार्टर जिथे मनीष सिसोदिया तो पूछगिछ की जाएगी।